मनीष जी, अब बताता हूं कि वो मुद्दा, जिस मुद्दे के बाद पूरी यूपीए सरकार, ये सोनिया गांधी, ये राहुल गांधी, ये मनमोहन सिंह और ये जितने आड़ा पाड़ा राती खराती, इन सबको चैलेंज है कि जरा आकर उसकी सफाई दे दो कि नरेंद्र मोदी की सरकार मनमोहन सिंह की सरकार से 1000 गुना ज्यादा बेहतर, 1000 गुना ज्यादा स्वाभिमानी, 1000 गुना ज्यादा साहसी और सुरक्षित सरकार है, जिसने देश को पूरी पूरे देश को सुरक्षित किया है। एक आंकड़ा मनीष जी, कोई किसी ने जिक्र नहीं किया, किसी ने ध्यान नहीं दिया उस पे कि 2009 का आईपीएल कहां हुआ था? नहीं हिंदुस्तान में नहीं हुआ था, हुआ याद था, करिए, हिंदुस्तान बिल्कुल में नहीं बिल्कुल। हुआ था, देश के बाहर, मेरे ख्याल से अरब गल्फ सऊदी कंट्री में अरब, कहीं हुआ, शारजा और अरब कंट्री में हुआ था, दुबई अरब में हुआ कंट्री में था, होता, कई अलग देखिए अलग देशों में। दो हुए, एक साउथ अफ्रीका में हुआ था, ये मेरे ख्याल से गल्फ कंट्री में हुआ था। क्यों? क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे कि क्या यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं तो हम इसकी व्यवस्था नहीं कर नहीं कर पाएंगे, पाएंगे, चुनाव हम चुनाव नहीं करा पाएंगे। तो पूरी दुनिया ने थूका था कि ये 140 करोड़ का देश और ये एक टूर्नामेंट नहीं करा सकता क्योंकि इसके यहाँ चुनाव हो रहे हैं। उसके बाद मनी जी, ये 2009 हुआ, उसके बाद 2014 में, फिर 2014 में इन्होंने फिर मेरे एक बार गल्फ में गए, एक बार साउथ अफ्रीका गए, तो उसके बाद 2014 में इन्होंने फिर आईपीएल को बाहर भेज दिया। तो पूरी दुनिया को मनीष जी क्या मैसेज दे रहे थे? ये नकारे हैं, निकम्मे हैं, कायर हैं, नपुंसक सरकार है जिसमें दम नहीं कि एक साथ दो कार्यक्रम करा के दिखाए। और प्रधानमंत्री मोदी 2014 में आए, उसके बाद 2019 में भी आईपीएल इसी चुनाव में हुआ और 2024 में भी आईपीएल इसी चुनाव में हुआ, कहीं कहीं पत्ता नहीं खटका। तो ये फर्क बताता है कि क्या है प्रधानमंत्री मोदी की सरकार और क्या थी वो नकारा, निकम्मी, कायर, नपुंसक सरकार जो यूपीए की थी 10 साल की, जिसका ये बेशर्म खैराती ढोल ढोल बजाते घूमते हैं और राहुल गांधी नाच रहा है वही प्रधानमंत्री मोदी की भाषा में कि मुजरा कर रहा है कि यूपीए की सरकार, यूपीए की सरकार, यूपीए की सरकार के सारे मुंह पर कालिख। ये दो घटनाक्रम बता देते हैं कि 2009 में एक टूर्नामेंट कराने की औकात यूपीए सरकार की नहीं थी। क्यों? क्योंकि पाकिस्तानी आतंकवादियों से थर 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 कांपा करती थी, पाकिस्तानियों की गुलाम हुआ करती थी। और जिस समय 2009 के चुनाव में हमने आईपीएल ट्रांसफर किया और 2014 के चुनाव में हमने आईपीएल को ट्रांसफर किया, उस समय मनीष जी पूरे देश में, जरा अब मैं बता रहा हूँ कि हम पाकिस्तान के बगल में जाके खड़े हो गए थे। याद करिए, पाकिस्तान का जो पीएसएल टूर्नामेंट होता है वो दुबई में होता है, क्योंकि वो कहता है कि हमारे यहाँ के हालात ऐसे नहीं है। तो इन्होंने 2014 में हिंदुस्तान की हालत पाकिस्तान की तरह बदतर कर दी थी कि हम यहाँ ये कार्य नहीं करा पाएंगे, हमारे चुनाव हो रहे हैं। तो इतनी नकारा, असफल, निकम्मी सरकार और उसका ढोल पीटते बेशर्म खैराती घूम रहे हैं। जरा पाड़ा आके बता दे, जलील अंजुम आके बता दे कि ऐसा कौन सा करिश्मा नरेंद्र मोदी के पास है कि 2019 में भी आईपीएल भी हुआ, चुनाव भी हुए, 2024 में भी आईपीएल हुआ, चुनाव भी हुए, और वो पूरी मनमोहन सिंह की सरकार, ये माँ बेटे और ये दामाद बिटिया, ये सब मिला के न 2009 में आईपीएल करा पाए देश के अंदर और न 2014 में करा पाए थे। तो ये अपने आप में एक बड़ा उदाहरण है कि कितने क्या फर्क है इस लुटेरों की सरकार में और चौकीदार की सरकार में। बहुत महत्वपूर्ण याद दिलाया मुझे, एकदम से मेरे ध्यान से उतर गया। कितनी सचमुच महत्वपूर्ण बात है कि आईपीएल देखने के लिए इतनी भीड़ इकट्ठा होती है और पूरा सुरक्षा चुनाव में लगा हुआ होता है, ऐसे में देश के अलग अलग हिस्सों में हम आईपीएल नहीं करा सकते और इसी बात पर 2009 में आईपीएल नहीं करा पाए थे, तो पूरी दुनिया ये में कितनी बताता बेइज्जती हुई होगी, कितनी बेइज्जती हुई है। होगी, जो खासकर क्रिकेट खेलने वाले देश की, कैसा हिंदुस्तान कैसा देश है और उसके हालात और पाकिस्तान के हालात में कोई अंतर नहीं, इन्होंने पाकिस्तान के बगल में ले जाके खड़ा कर दिया था हम लोगों को।